एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया कि जो फिजिकली चैलेंज इंसान है, जो एजेड ओल्ड पीपल हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते हैं, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एबल लुकिंग लोगों को भी भीख मांगते हुए देखा गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि हर एक रुपया जो एक भिखारी की झोली में हम डालते हैं, उसमें हम इंसल्ट कर रहे हैं उन लोगों की जो रात दिन मेहनत करते हैं अपनी अर्निंग कमाने के लिए। हम जितना ज्यादा इन लोगों की मदद करेंगे जो बिना किसी पसीना बहाए कम से कम काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, उतना हम सोसाइटी के अंदर एक गलत मैसेज को शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अवेयर नहीं है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, उनका कैसा शोषण किया गया है बेगिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं है कि हमें रियलाइज नहीं होता कि ये जो भिखारी हैं, ये कैसे सिचुएशन को मैनिपुलेटिव बनाते हैं और एक सेंस ऑफ सिंपथी क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग इमोशनली वीक हो जाएं और इनको भीख दे दें। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों के आंसू को एक दया की नुमाइश बनाकर अपनी बॉल के अंदर कुछ भीख मांगेंगे? आपको नहीं लगता दोस्तों कि आप सिंपली एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं बेगिंग के नाम पर? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बेगिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई मेहनत नहीं है, कोई पसीना नहीं है और गेन ही गेन है। एक बेगर है जो आपकी अच्छाई को आपकी वीकनेस बना देता है, सोचिएगा दोस्तों। पर दोस्तों, उसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कभी आप देखते हैं कि आपके फेलो ह्यूमन बीइंग्स में कोई भी इंसान भूखा है, तो क्या हम उसको सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उस वक्त हमारी ह्यूमननेस कहां जाएगी, हमारी सेंसिटिविटी कहां जाएगी? तो दोस्तों, मैं खुद करता हूं और मैंने अपने कई दोस्तों को भी ये समझाया है कि वो अपने बैग के अंदर, अपनी कार के अंदर, अपने बाइक के साथ कभी बिस्किट रखें या ब्रेड का कोई पैकेट रख सकते हैं। इस तरीके से कभी भी वो कोई भूखा इंसान देखे तो उसको वो फीड कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन या जजमेंट के। क्योंकि दोस्तों, जब आप ब्रेड देते हैं या बिस्किट देते हैं तो एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने कोई रुपया नहीं दिया बिना पसीने बहाए किसी इंसान को। इसके साथ आपको ये भी सेटिस्फेक्शन आता है कि जो रुपया आप दे सकते थे उसको किसी लिकर, सिगरेट या ड्रग्स में भी यूज किया जा सकता था, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसके साथ आपके अंदर ये इमेंस सेटिस्फेक्शन आता है किसी भूखे इंसान की आपने मदद करी। तो क्यों ना दोस्तों, हम मिलकर इस भीख मांगने की प्रथा को खत्म करें जो हमारे समाज पे एक अभिशाप है, पर तब भी हम भूखे इंसान की मदद करें और हमेशा एक इंसान कहलाएं।